राइस सूप के लिए हमने ये राइस का पानी लिया है। राइस का पानी जब हम चावल बनाते हैं, जब हम खुले चावल पकाते हैं, तो वो चावल का पानी जो रहता है वो हम निथार के जो पानी फेंक देते हैं वो पानी का ये सूप बनता है, और ये बहुत हेल्दी सूप है। तो ये हमने वो राइस का पानी लिया है, ये हमारा 2 बाउल जितना पानी है। हमने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, 8 से 10 बारीक कटी हुई कली लहसुन की ली है, कॉर्नफ्लोर लिया है हमने, कॉर्नफ्लोर हमने 1/2 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून हमने व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टीस्पून शुगर, और ये हमने सॉल्ट लिया है आपके टेस्ट के अनुसार। डेकोरेशन के लिए हम इसके ऊपर पनीर डालेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं राइस सूप। राइस सूप बनाने के लिए हमने बटर लिया, हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें हमने ये राइस का पानी डाल के उसका एक घोल बना लिया है। जैसे ही बटर गर्म होगा उसके अंदर हमने ये बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी है, अब हम उसके अंदर अदरक डालेंगे, बहुत अच्छे से दोनों को हम मिक्स करके 8-10 सेकंड तक भूनने देंगे। उसके बाद उसके अंदर ये राइस का जो पानी है वो हम उसमें डाल देंगे। शुगर डालेंगे, व्हाइट पेपर पाउडर डाल देंगे, वन फोर टीस्पून नमक डालेंगे, सारी चीजों को अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही उबाल आएगा उसके अंदर ये हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल हम डाल देंगे। ये सूप आपको जितना देखने में सिंपल लगता है ये उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। अगर आपको इसको ज्यादा थिक करना है तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हम 5 मिनट तक उबलने देंगे। अब हम इसके ऊपर पनीर डालेंगे अच्छे से कीस के। जस्ट डेकोरेशन किया है, ये ऑप्शनल है। अब ये सूप आप गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।